भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी का जूता कांड पहुंचा देवरिया। पिता रमापति राम त्रिपाठी के रास्ते का बन रहा रोड़ा। बैनर लगाकर हो रहा है भाजपा प्रत्याशी का विरोध। संत कबीर नगर से भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी के जूतों की गूंज देवरिया तक पहुंच गई है। यहां एक पोस्टर लगाकर देवरिया से भाजपा प्रत्याशी रमापति राम त्रिपाठी का विरोध किया गया है। पोस्टर पर रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र शरद त्रिपाठी के जूता कांड की बात लिखी गई है। देवरिया से भाजपा प्रत्याशी रमापति राम त्रिपाठी संत कबीर नगर से भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी के पिता हैं। शरद त्रिपाठी को 2019 में भाजपा ने अपनी पार्टी के विधायक पर जूता मारने के आरोप में टिकट नहीं दिया तो उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया। लेकिन देवरिया में लगे एक पोस्टर ने शरद त्रिपाठी के जूता कांड को जिंदा कर दिया है। देवरिया के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे पर लगे इस बैनर पर लिखा है कि छतरियों को जूता मारने वाला बेटा, व्यापारियों महिलाओं को धमकी गाली देने वाला बाप, खलीलाबाद से भगाए जाने के बाद अब देवभूमि देवरिया के वोटरों को चारा डालने आया है। फैसला आपका, आखिर देवरिया आपका है। बैनर के नीचे देवरिया बचाओ मंच भी लिखा हुआ है। इससे जाहिर होता है कि रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया जिले में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रमापति राम बीजेपी के पुराने नेता हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। देवरिया सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के नजदीक पड़ता है। 2014 में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी जिसे 2019 में वो दोहराना चाहती है। लेकिन उनके पुत्र शरद त्रिपाठी का जूता कांड यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे देवरिया में लगे इस विवादित होर्डिंग की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने इसे उतरवा दिया।